हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए कच्चे आम, जैसे आम का सीजन आया तो आम आने शुरू है, तो इसलिए आज हम आम की सूठियाँ बनाते हैं, कच्चे आम का सूठिया। और देखिए कैसे बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पूरी वीडियो देखना ताकि आप इसका लाभ उठा सके, और आगे से आगे शेयर करना ताकि आगे भी इसको कोई फायदा उठा सके। ये देखिए 1 किलो कच्चे आम जो हमने धो करके रखे हुए हैं, और ये 1/2 किलो चीनी, 100 ग्राम खोपा जो हमने घिस करके रखा हुआ कद्दूकस करके, 100 ग्राम बादाम ये भी बारीक बारीक काट कर रखे हुए हैं, 100 ग्राम छुहारे और 100 ग्राम ये किशमिश। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आम छील लेते हैं। ये देखिए आम छील लेते हैं अच्छे से और फिर इसका सूठिया बनाते हैं। और देखिए सालों साल तक खराब नहीं होता, आप देखते रहिए। और देखिए ऐसे सारे आम छीलने के बाद इनको हम ऐसे पहले इनके दो दो बना लेते हैं, और इसके अंदर से ये जो बीज है ये देखिए ये बीज निकाल देते हैं ऐसे। ऐसे सारे निकालने और फिर इनको कद्दूकस कर लेते हैं। जितना आपको बनाना उतने आम छीलिए और उतने ही कद्दूकस कर लीजिए। और अब देखिए छीलने के बाद और दो दो बना के बीज निकालने के बाद हमने इसको कद्दूकस करके रखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए ये सामान आपने जान लिया, किशमिश, छुहारे, खोपा, बादाम, खोपा और ये चीनी, मिर्ची पाउडर, नमक और ये साबुत अजवाइन। अब इसके बाद क्या करते हैं, गैस पर कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल लेते हैं, 1 चम्मच, जो सब्जी वाला चम्मच होता है वो। अब इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डालते हैं, छोटा चम्मच, ये देखिए, और इसको थोड़ा ब्राउन करते हैं। और अब इसके बाद अजवाइन ब्राउन होने के बाद हम इसमें छुहारे डालते हैं जो हमने छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं, उनको भी थोड़ा ऐसे भून लेते हैं। इसके बाद हम इसमें बारीक कटे बादाम डालते हैं, और अब इसके बाद इसमें हम किशमिश डालते हैं। मनक्खा भी बोलते हैं लेकिन किशमिश छोटी होती है, मनक्खा हो जाता है। उसके बाद इसमें हम गोला डालते हैं, खोपा जो हमने कद्दूकस करके रखा है इसको भी थोड़ा ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं, ऐसे ही सारे मेवे इकट्ठे मिक्स कर लेते हैं। और अब जो ये आम कच्चे आम हमने कद्दूकस करके रखे हैं, अगर ये पानी छोड़ रहे हैं तो इनका पानी अलग निकाल लीजिए, क्योंकि ज़्यादा खट्टा ना हो। अगर आप ऐसा पसंद करते हैं तो ऐसे ही डालिए, इसको हम कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं और अब इसको अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं ऐसे, ताकि इनका जो पानी है वो थोड़ा सूख जाए, इसलिए पानी सूखने के लिए इनको भून लेते हैं अच्छे से। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा मिर्ची पाउडर डालते हैं, देखिए हल्का सा। अब इसमें नमक डालते हैं, नमक भी थोड़ा कम ही रखना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल अच्छे से भूनना है। और ये ऐसा सूठिया तैयार होता है, आप इसको बना करके रखिए
ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जब तक दूसरे आम आएंगे अगली साल तब तक आप इसको रख सकते हैं। आम का सीजन खत्म हो जाएगा लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और अब इसके बाद हम इसमें चीनी डालते हैं, शुगर डाल देते हैं। एक किलो आम में आधा किलो चीनी डालनी है। अब इसको अच्छे से मिलाते हैं, अच्छी तरह भून लेते हैं। उसमें और पानी बिल्कुल नहीं डालना। और देखिए इसके अच्छे से पकाना है, जब तक ये इसमें थोड़ा चीनी का चास है ये सोख नहीं लेता तब तक इसको अच्छे से ऐसे हल्के हल्के चलाते रहिए ताकि नीचे चिपके नहीं। तो देखिए कच्चे आम का सूखिया हमारा बिल्कुल तैयार है। अब गैस बंद कर देते हैं, अब इसको परोसते हैं। और ये देखिए हमारे कच्चे आम का सूठिया बिल्कुल तैयार है। अब इसका हम क्या करते हैं, जैसे अपने परोसा इसको हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा करने के बाद आप इसको कांच के जार में रखिए या कांच के जग में रख लीजिए। फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रख लीजिए या फिर वैसे रखना तो वैसे रख लीजिए। लेकिन ये एक साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगले आम आ जाएंगे तब फिर दूसरा तैयार करना। आप बना करके रखिए और बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। और आप बनाइए और अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को बताइए। और देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता दोस्तों।